आज रायसेन शहर में होलिका पर्व एवं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रायसेन पुलिस प्रशासन द्वारा एक फ्लैग मार्च निकाला गया, जो शहर के थाना कोतवाली से प्रारंभ होकर भोपाल सागर चौराहा, इंडियन चौराहा, तिपाता बाजार, तहसील मोहल्ला से होता हुआ वापस थाना कोतवाली पहुंचा, जिसमें मुख्य रूप से तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह, SDOP प्रतिभा शर्मा और थाना कोतवाली प्रभारी संदीप चौरसिया सहित कई जवान शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज रायसेन पुलिस ने यहां पर फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें तहसीलदार साहब भी मौजूद थे। उधर हमने TI से बात की तो उन्होंने कहा करीबन 80 लोगों का ये फ्लैग मार्च निकाला गया। वैसे तो लोग रोज ही पुलिस ये निकालती है, लेकिन क्योंकि होली का त्यौहार है और लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए जनता में विश्वास बना रहे, इसलिए पुलिस द्वारा ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। मैं राकेश जैन, रायसेन। सर, कुल कितना संख्या बल था इसमें? आज ये फ्लैग मार्च निकाला गया, इसमें करीब 80 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी थे। जी, ये क्या आप निकालते रहेंगे क्या? ये हाँ, हमारी रूटीन प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि अब आगामी लोकसभा चुनाव भी है, होली का उत्सव भी है, और लोगों में पुलिस के प्रति पुलिस की सजगता को प्रदर्शित करने के लिए हमारा ये लगातार प्रयास जारी रहेगा। सर, क्या नाम देखते हैं? संदीप चौरसिया, नगर निरीक्षक थाना कोतवाली। सर, ये फ्लैग मार्च क्यों निकाला गया? अभी आम निर्वाचन, लोकसभा निर्वाचन की घोषणा हो गई है और आचार संहिता लागू हो गई है, तो आगामी लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए और होली का उत्सव त्यौहार आ रहा है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने प्रशासन पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला है। इसमें हमने यहाँ कोतवाली थाना से प्रारंभ करते हुए महामाया चौक और आगे जो अपना तहसील मोहल्ला आदि काफ़ी क्षेत्रों में चौपड़ा होते हुए हमने फ्लैग मार्च कम्प्लीट किया है। सर, क्या नाम देखते हैं आप? डॉक्टर हर्ष विक्रम सिंह, तहसीलदार।